है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो हम जा रहे हैं अभी शाम को मार्केट। शाम का अभी 4:30 साढ़े तीन पे निकली थी मैं घर से, 4 हो गया है। और आज मैं इस साइड से जा रही हूँ, मनसा रामन साइड से, क्योंकि इधर से मुझे मार्केट थोड़ा सा पास में मिल जाएगी। तो ट्रेडिंग भी करवानी है, काफ़ी टाइम से मैंने नहीं करवाई है, तो ट्रेडिंग भी निकल आई है, ट्रेडिंग भी करवा लेंगे। और जो भी मार्केट में काम है, चाची ठीक हो? तो वो भी हो जाएगा। और मम्मी लिपस्टिक लेके आई थी, 2 लेके आई थी, तो उनको वो कलर नहीं समझ में आ रहे थे, तो एक मैंने ये लगा के रखा है, ये वाला है, एक दूसरा है, उसे मुझे चेंज भी करना है साथ ही साथ। और जो भी मार्केट में काम है वो भी कर लूँगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे जो न्यू आते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो के एंड तक रहना। और आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, तो गाइस प्लीज़ बने रहना। ओके, फिर मिलते हैं अभी आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस आ गए हम यहाँ पे मंगरिया बाज़ार। तो हमने ट्रेडिंग करवा ली है अपनी, और मुझे एक रिंग बनवानी थी, वो रिंग मैं बनवाने के लिए यहाँ पे आई थी सुनार के पास, वो मैंने डाल दिया है। और मेरी ट्रेडिंग कैसी लग रही है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं इतनी फास्ट क्यों चल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी था, घर पे मेहमान थे, तो पूजा का कॉल आया कि जल्दी से घर आ जाओ, तो मैं आ रही थी। और पता है रास्ते में मैंने फल लिए थे और सेब लिया था, और सेब की पन्नी मैंने ऑटो रिक्शे पे ही छोड़ दिया, ऑटो पे ही छोड़ा, क्योंकि मैंने अभी वीडियो में देखा तो मैंने 2 पन्नी हाथ में पकड़ रखी हैं, एक में सेब था एक में दूध था, तो सेब वाली तो पन्नी हमने ऑटो पे ही छोड़ दी। और मैं परेशान थी, मैंने कहाँ छोड़ा कहाँ नहीं, अभी जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो तब मुझे दिखा कि मैंने ऑटो पे ही छोड़ दिया। ऑटो वाले भैया बड़े खुश हो गए होंगे, उनको 1-2 किलो सेब मिले। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। तो शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और प्याज और जीरा, यही सब कुछ लिया है। मैगी मसाला मैं डाल के बनाऊंगी आज मैक्रोनी। तो बने रहिए आप लोग, और न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो गाइस मैं मैक्रोनी मैं आज डाल के बनाऊंगी मैगी मसाला, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मैंने इसे 1-2 बार पहले बना के देखा है। मैक्रोनी मसाले से इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है, लेकिन मैगी मसाले से मैक्रोनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आज मैं मॉर्निंग में ही एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं था और मुझे कहीं जाना है आज, इस वजह से मैं सुबह एडिट करने बैठ गई। तो मेरी वॉइस को इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मॉर्निंग की वॉइस थोड़ा चेंज होती है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे मम्मी कुछ लेने आई थी। तो गाइस मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, हर एक वीडियो पे कमेंट आता है दी शादी के लिए, कि आप क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हो, सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप क्यों नहीं बढ़ रही हो। मैंने बहुत बार वीडियोस में भी बताया है आप लोगों को, और कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही हूँ। हाँ, सभी लोग बोलते हैं कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, आप अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ के अच्छे से शादी कर लो, अपनी लाइफ इन्जॉय करो। सबका मन होता है अपनी लाइफ में इन्जॉय करने का, आगे बढ़ने का, लेकिन सब चीज़ों का सही समय आना चाहिए, है ना। जब सही समय होगा, और क्या होगा अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो शादी के लिए मैं सोच रही हूँ, और आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। अपने दिल की बात सारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी शादी को लेके।
और आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई नेक्स्ट डे, तो अनिका की मस्ती चल रही है, स्कूल जाने का उसका टाइम हो गया है और मैंने उसका टिफिन बना दिया है और वो कैमरे के सामने आके अपनी मस्ती क्यूटनेस दिखा रही है। तो जितने लोग अनिका को प्यार करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्यारी प्यारी अनिका को विशेष देना कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, अपने पापा का नाम रोशन करे और अपनी मम्मा का भी। और तो इतना गंदा कर लिया है उसने इनर, और मॉर्निंग में ही मैंने इसको पहनाया था, देख लो इतना पता नहीं क्या टपकाई है। तो यहाँ पे मैं उसको पहना रही हूँ सॉक्स वगैरह, और सॉक्स मैंने पहले ही पहना दिए क्योंकि उसको मुझे गर्म लेगी भी पहनानी थी। तो यहाँ पे मैं निका को रेडी कर रही हूँ, और तो चलिए गाइस फिर ब्लॉग पे बने रहना। और पता नहीं मैं वॉइस ओवर में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, इस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, सुबह ही सुबह वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ तो दिमाग भी मेरा काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे अनिका को मैंने ये स्कर्ट पहना दी, ये स्कर्ट अनिका को बहुत ज़्यादा लूज़ है तो मुझे इसमें सेफ्टी पिन लगाना पड़ता है, टेलर के पास मुझे इसको ले जाके सही करवाना है। बहुत ज़्यादा ढीली है अनिका को, अनिका दुबली बहुत ज़्यादा है, तो अनिका को मैंने यहाँ पे पहना दिया है। और मॉर्निंग में तो जानते हो इतने सारे काम होते हैं, सब इधर से उधर चल ही रहे हैं पूरे घर में, और जब अनिका चली जाती है ना तब आराम से सारे काम होते हैं क्योंकि उनके लिए टिफ़िन बनाना, उनका बैग पैक करना, सब कुछ चेक करना होता है, कहीं इधर से उधर सामान ना रख दें, क्योंकि ये आती हैं स्कूल से तो सारा इधर से उधर, कहीं नोटबुक उधर, पेंसिल उधर, ऐसे ऐसे कर देती हैं। बच्चों को तो पता है ना कैसे क्या करते हैं। और सामने टीवी चल रही थी, सॉन्ग बज रहा था, रूम अभी बेडशीट वगैरह लगी नहीं है, अनिका जाएंगी उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पे अनिका की टू चोटियाँ बनेंगी, और ठंडी अब बहुत ज़्यादा होने लग गई है गाइस, और पापा हमारे देख सकते हो नहा के आ गए हैं। और तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग। यहाँ पे भाई अनिका को छोड़ने के लिए जा रहा है। तो गाइज हमने भी सोचा है अपनी अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ससुराल का भी उधर का भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग सब कुछ जानते हो, वो लोग कुछ करना नहीं चाह रहे हैं और मैं इस वक्त ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो क्या है मैं पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी और सारी चीज़ें तब आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। तो अनिका हमारी जा रही है स्कूल और प्यारी सी डॉल लग रही है एकदम से, और जा रही है हंसते हुए। फिर नाइट में हम अपने रूम को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे थे, जितने तो वही पूजा से कह रहे थे कि आज इसको थोड़ा सा रूम को अपने चेंज करते हैं, क्योंकि खाली दीवार मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे जो मुझे बर्थडे पे मिला हुआ था ना, जितने भी गिफ्ट वगैरह थे वो मैं लगाऊंगी, तो आप लोग बने रहना। और मुझसे लग नहीं रहा था बार बार, ये जो कील लगा रही थी ना मैं, ये निकल के दीवार से फिर गिर रही थी, तो पापा भी आते हैं वो भी मेरी हेल्प करते हैं। तो आज हम अपने रूम को एकदम से चेंज कर देंगे, और तो आप लोग बताना मेरा रूम पहले से अभी कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, आप लोग बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, इस वक्त मेरा रूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं यहीं पे रहती हूँ नाइट में भी और डे में भी, तो मुझे ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसको मैंने अब चेंज कर दिया है। तो अभी आप लोग देखना, और मुझसे सच में नहीं लग रहा था, मैं इसको लगाती हूँ फिर ये निकल जा रही है दीवार से, पता ऐसे नहीं करके ठोक रही थी ऐसे ऐसे करके। हाँ ऐसे ऐसे नहीं तो क्या, कैसे कैसे ठोका जाता है। तो यहाँ पे मैं सेट देख रही थी कौन सी पेंटिंग कहाँ पे अच्छी लगनी है, क्योंकि मेरे रूम में ना एक ही बल्ब लगा हुआ है तो लाइटिंग की थोड़ा सा दिक्कत है ना, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं इसमें लाइट बढ़ाऊँ कि कम करूँ, क्योंकि एक ही इसमें बल्ब लगा हुआ है तो लाइट ज़्यादा हमारे रूम में लगती नहीं है,
इसीलिए कुछ ज़्यादा साफ आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन टीन वाला रूम मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त। मुझे नीचे से ज़्यादा छत पे अच्छा लगता है, और छत पे बहुत, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये डॉल वाली पेंटिंग लगा दी है, देखा आप लोगों ने, वो कील से अपने आप से निकल रही है पता नहीं कैसे। तो पापा आएंगे और पापा मेरी हेल्प करते हैं, और हम अपने रूम को एकदम से चमकाते हैं। तो इसमें कितने लोग लगे हुए हैं, हम हैं, पूजा है, अनिका है, और अभी पापा भी आ जाएंगे, आप लोग देखना। और अनिका का जहाँ पे मन हो रहा है वो वहाँ पे सेट कर रही है, सब अपना अपना कर रहे हैं। तो अभी देखना पापा आते हैं और वो कहते हैं हटो, हम लगा रहे हैं, तुम्हारे बस का नहीं है। तो हम हट जाते हैं और पापा को लगाने देते हैं फटाफट। तो बने रहिए आप लोग। तो मैंने घोड़े वाली भी पेंटिंग लगा दी है। तो घोड़े वाली पेंटिंग ना मुझे इस तरीके से लगानी थी कि जो घोड़े का फेस है ना, घर के कमरे की तरफ आना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। तो मुझे वॉल समझ में नहीं आ रही थी, इसी वॉल की तरफ लाइटिंग आ रही थी और उस तरफ तो अंधेरा ही रहता है, इस वजह से मैंने इस वाली वॉल पर लगाया है, और सही भी है। और ये कान्हा जी की जो पेंटिंग है ना, ये तो मतलब मेरे रूम की एकदम से चेंज ही कर दिया है। इसको लगाने से मेरा रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं मतलब जब से मैंने लगाया है ना, 2 दिन मुझे हो गए हैं लगाए हुए, मैं इन्हीं को देखा करती हूँ, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे पापा ने कहा यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे हैंगर लगा हुआ था, कपड़े हम लोग टांगते नहीं हैं इस वाले रूम में, जितने भी हैं अलमारी में रखे रहते हैं, साइड में मैं तह लगा के रख देती हूँ, लेकिन यहाँ पे हैंगर में टांगती नहीं हूँ जो ये लगे हुए हैं। तभी पापा से मैंने कहा मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और क्योंकि पूजा इस साइड पैर करके लेटती थी, वरना मैं सामने लगाती अपने बिल्कुल सर के पास, तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि पूजा का पैर इधर रहता है इस वजह से। तो मैंने इस वाली वॉल पे लगा दिया। आप लोग बताना मैंने घोड़े वाली पेंटिंग सही लगाई है कि नहीं लगाई है, और कैसा लग रहा है मेरा रूम। तो यहाँ पे मेरे जितने भी थे मैंने लगा दिया है, और जितनी भी इस पे डस्ट वगैरह मैंने पहले क्लीन किया था, लेकिन फिर भी क्लीन कर दूंगी। और फिर इसी के साथ में मैं आज का ब्लॉग भी एंड कर दूंगी, और मिलूंगी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप मेरा रूम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे। और बताना मेरी ये पेंटिंग कैसी लगी आप लोगों को। राधे 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 राधे, बाय गाइस।